मेरा नाम मिसेस सुधा शर्मा है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे घर संभालने में और इनका ख्याल रखने में बहुत खुशी मिलती है। यही मेरी दुनिया है। वैसे मुझे फिल्में देखने और कहानियां पढ़ने में भी खुशी मिलती है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं हम एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे। मैं बनारस से हूँ। वहाँ मेरे पापा का रेस्टोरेंट है, देसी स्वाद। पापा और इनके पिताजी की दोस्ती वहीं हुई थी। एक दिन पापा इनकी फोटो लेकर आए और बोले, मुंबई में अच्छा बिजनेस है इनका, मुझे ये फोटो में बहुत पसंद आए। और मैंने हाँ बोल दिया। फिर एक दिन ये सब परिवार साथ घर आए, तब मुझे एहसास हुआ कि ये फोटो में ज्यादा अच्छे लगते हैं। फोटोजेनिक फेस है इनका, वैसे सामने से इतने भी बुरे नहीं थे। हमने काफी बातें की, एक दूसरे को जाना। फिर मुझे ये फोटो के बाहर भी अच्छे लगने लगे। पता ही नहीं चला मुझे इनसे कब प्यार हो गया। इनके तो 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। इनका तो 7 जन्मों का रिश्ता है। और ढोंगी पंडित जी के आशीर्वाद से 14 नवंबर को हमारी शादी हो गई। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। दूध का ग्लास नहीं दिख रहा है। वो तो सिर्फ फिल्मों में होता है ना जी। तुम खुश हो?
कुछ दिनों से मैं एक कहानी लिख रही हूं, सात फेरे। ये कहानी एक कपल की है। उठिए उठिए, उठ जाइए। चलो ना, बेबीस करते हैं। गैस पे चाय रखिए, उबल जाएगी। उठिए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। चाय तो पीते रहेंगे, अभी बेबीस करते हैं। चलो कुछ भी, उठिए। उन्हें मेरे ही हाथों का खाना पसंद है माँ, पर अभी काम वाली की क्या जरूरत है। माँ, मैं जब अपने हाथों से अपने घर का काम करती हूँ ना, तो सब कुछ अपना सा लगता है। हाँ माँ, कोई आया है बाहर, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ, आज ही उन्हें गुड न्यूज दूंगी। ओके बाय। हेलो जी। जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक्चुअली मैं आपके पति के साथ उनकी कंपनी में काम करता हूँ। ओह जी, आइए ना। थैंक यू। आइए। आप पानी पहने लेंगे? ऑफ कोर्स। मिलाई आप अपने पति से कहिए कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहे। मतलब? मतलब मेरा नाम शशांक है एंड आई एम अ गे। मेरे बॉयफ्रेंड का नाम आलोक है। आलोक और आपका पति पहले लवर्स थे, एक्चुअली अभी भी हैं। एक सेकंड, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है या आप गलत घर में आ गए हैं शायद। मेरे पति गे नहीं है। बाइसेक्सुअल। बाय क्या? Don't tell me you don't know what is bisexual. Oh God, जिसे लड़का और लड़की दोनों पसंद हो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसा थोड़ी होता है कभी। ऐसा होता है मैडम। मेरे पति का नाम बताइए। दिनेश। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। लिसन, मैं बस ये चाहता हूँ कि दिनेश आलोक से दूर रहे। देखिए आप क्या बोल रहे हैं ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। बेवकूफ औरत, तुम्हारा पति मेरे बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहा है, सो रहा है, और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे कंट्रोल में रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जाहिल कवार। आज का दिन बहुत हेक्टिक था। Thank you.
आप मुझे हमेशा इतने करीब रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको नहीं जानती। इतना तुम जानती हो, उतना तो मैं भी अपने आप को नहीं जानता। मुझे तो नहीं पता था कि आप बाइसेक्सुअल हो। क्या? यही कि आप बाइसेक्सुअल हो? क्या क्या बकवास कर रही हो? जानती भी होता क्या है ये? आज पूरा दिन बैठकर यही पता लगा रही थी कि ये बाइसेक्सुअल होता क्या। तुम यही सब सीख रही हो क्या आजकल? आजकल कोई भी मेरे घर में आके मुझे बोलता है अपने पति को बोल मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहे। ये किसने बोला? शशांक। और तुमने मान लिया? अब तो झूठ मत बोलिए मुझसे। आपके फोन में मैसेजेस देखे मैं। मैं झूठ बोला मुझसे, चीटिंग किया। मेरी लाइफ अब क्या करूं मैं? I'm sorry, पर मैंने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं। तो मुझे इस बात पे खुश होना चाहिए क्या? आप लड़कियों की तरफ नहीं, लड़कों की तरफ देखते? बस एक बार आलोक के साथ, आई स्वेयर, और कोई भी नहीं है। सच सच बोल रहा हूं मैं। सात फेरों का मतलब सात जन्म का रिश्ता होता है। पता नहीं ये कौन सा जन्म है। बाबू, आई एम सॉरी, मैं आज के बाद कुछ नहीं करूंगा ये सब। I promise. आपने यही सोच के शादी की थी ना कि ये अनपढ़ गंवार को कहाँ कुछ पता चलेगा, मजे में कटेगी जिंदगी। शायद मैं शादी के बाद कब उनसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। उसके बाद मैंने कभी भी कुछ भी नहीं किया, किसी के साथ नहीं। बाबू, मैं तुम्हें कभी हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता। I'm really sorry. भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देता है और वहीं से शक की शुरुआत होती है। ये कौन था? ये फ्रेंड है, ऑफिस के पास रहता है। उस टाइप का फ्रेंड? क्या यार, कुछ भी। तुम क्या हर किसी पे शक करोगी क्या? अब तो आप ही बता दीजिए, किस पर करूं शक? तुम्हें इतनी बार सॉरी बोल चुका हूं मैं, जब इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ दो ना मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूं आपको? सात फेरे लिए आपके साथ, पत्नी के सारे धर्म निभाऊंगी। Thank you.
फ्रूट्स लेने थे ना। She is in very critical condition. I'm so sorry about her miscarriage. Pregnant? Kab se? 3 months. वो अपने गम को शराब के नशे में भुलाने की कोशिश करने लगा। और रोज घर पर पीकर आने लगा। इन्होंने उस दिन से खाने को देखा तक नहीं। Hello. Hello. Who's this? Alok. Alok, chutiya, तुझे कितनी बार बोला कि कॉल मत कर? कितने बार ब्लॉक करूं मैं तुझे? यार तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? फालतू में कॉल करे जा रहा है? चूतिया।
हेलो शांता, ये नाश्ता आपने बनाया? कौन सा नाश्ता भैया? पिछले 7 दिन से मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है पर दरवाजा खुला ही नहीं। क्या बोल रहे हो शांता? आपने जो चाबी दिया है ना मेरे को, वो काम ही नहीं करता है। शायद गलत चाबी दे दी आप मेरे को। तो ये घर का काम और ये खाना कौन बना रहा है? पता नहीं भैया, मैंने बहुत बार बेल बजाया, बेल ही नहीं बजता था। फिर आपको बहुत बार फोन भी किया, आपने जवाब नहीं दिए, तो फिर मैंने दूसरा काम पकड़ लिया। हेलो भैया, हेलो हेलो भैया, ऐसे कैसे छोड़ दूं आपको? 7 फेरे लिए आपके साथ, पत्नी के सारे धर्म निभाऊंगी। सुधा